नमस्कार, मेरा नाम वसुधा सेन है। मैं होली हार्ट एजुकेशनल एकेडमी से हूँ। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपके पाठ्यपुस्तक वसंत से पाठ 3, नादान दोस्त, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी को कहानी सम्राट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर कहानियाँ लिखी हैं कि जिनको अगर हम पढ़ने बैठें तो समय कम पड़ जाए, है ना। ऐसी ही एक सुंदर कहानी है आपके पाठ्यपुस्तक में, नादान दोस्त। जैसा कि शीर्षक से समझ में आता है कि ये बच्चों की नादानियों पर आधारित है। नादानी क्या होती है? जब हम ऐसा कोई काम करते हैं जिसके परिणाम के बारे में हमें पता नहीं रहता है और अनजाने में हमसे वो काम हो जाता है, और जब तक परिणाम का पता चलता है तब तक देर हो चुकी रहती है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में होता है। इस कहानी में केशव और श्यामा दो भाई बहन हैं, छोटे बच्चे हैं, जिनके घर में चिड़िया ने कॉर्निस पर अंडे दिए हैं, है ना। दोनों बच्चे रोज सुबह आंखें मलते हुए उन चिड़िया को आते जाते देखते, उनको इतना मज़ा आता है कि उनको नाश्ते की भी सुध नहीं रहती, है ना। और उनके मन में कई तरह के सवाल उठते, जैसे अंडे कितने होंगे, कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, है ना, अंडों से चिड़िया निकल आई है कि नहीं, या निकल आई है तो पर कैसे होंगे उसके, है ना। इस तरह के कई सवाल उनके दिमाग पे आता और वो एक दूसरे से ही सवाल जवाब करके एक दूसरे को तसल्ली दे दिया करते, क्योंकि उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। अम्मा जी को घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी, वो दिन भर कामों में लगे रहती, और उनके बाबूजी जो हैं पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते, है ना। इस तरह उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। इस तरह से 3-4 दिन बीत जाते हैं, बच्चों के मन की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। अब उनको लगने लगता है कि अंडों से चिड़िया के बच्चे निकल आए होंगे, है ना, और उनको ये चिंता सताने लगती है कि चिड़िया जो है दाने कहाँ से लाती होगी, इतने सारे दाने कहाँ कैसे इंतज़ाम करेगी, कहीं बच्चे जो है भूख से मर ना जाए चू चू करके, है ना। उनको ये चिंता होने लगती है और वो लोग ये फैसला करते हैं कि हम कॉर्निस पर दाना रख देंगे। लेकिन श्यामा के दिमाग में एक बात और आती है कि भैया, क्या बच्चों को धूप ना लगती होगी? तो केशव के दिमाग में तो ये बात रहती नहीं है, और वो उसको अब समझ में आता है कि हाँ, बिल्कुल धूप लगती होगी, और धूप के साथ तो प्यास भी लगती होगी। तो दोनों ये फैसला करते हैं कि चारे के साथ साथ वो लोग पानी भी रखेंगे और घोंसले के ऊपर में छाया भी कर देंगे। अब वो दोनों इसके इंतज़ाम में जुट जाते हैं। श्यामा जो है अम्मा जी की नज़रों से बच करके मटकी से एक मुट्ठी चावल उठा लाती है चारे के लिए। ऐसे ही केशव जो है पत्थर की प्याली में से तेल को उड़ेल करके उसको अच्छे से साफ करता है और उसमें पानी भर देता है। अब बात आती है छाया करने की, तो वो सोचते हैं कि कपड़े का छाया करेंगे, लेकिन वो टिकेगा कैसे, ये समस्या रहती है। तो वो लोग केशव ये दिमाग लगाता है कि वो श्यामा से कहता है कि तुम कूड़े की टोकरी ले आओ। तो वो कहती है कि कूड़े की टोकरी में तो छेद है। तो वो कहता है तुम लेकर के तो आओ। तो श्यामा लेकर के आती है और केशव उसमें कागज़ का टुकड़ा उसमें भर देता है। इस तरह से उनका इंतज़ाम हो जाता है। बच्चों, गर्मी का मौसम चल रहा है ना, बाबूजी दफ्तर गए हुए हैं और अम्मा जी जो है दोनों बच्चों को लेकर के सुला देती हैं और खुद भी सो जाती हैं। लेकिन बच्चों के की आंखों में नींद कहाँ, है ना, उनका ध्यान कहाँ है, अंडों पर है। जैसे ही उनको लगता है कि अम्मा जी गहरी नींद में चली गई हैं, वो चुपके से उठते हैं और दरवाजे की सिटकनी खोल करके बाहर आ जाते हैं। केशव जल्दी से स्टूल उठा ले आता है और कॉर्निस के नीचे रखता है, और वो देख जब उसके ऊपर चढ़ता है तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, तो नहाने की चौकी ले आता है और स्टूल को चौकी के ऊपर में रख देता है। और श्यामा जो है स्टूल को पकड़े रहती है और ये डरते डरते ऊपर चढ़ता है। जब चढ़ता है तो स्टूल की टांग जो है छोटी रहती है, तो थोड़ी हिल जाती है, तो एकदम घबरा जाता है और श्यामा से कहता है कि तुम ध्यान से स्टूल को पकड़ो, नहीं तो नीचे उतर के खूब मारूंगा। लेकिन श्यामा का ध्यान तो पूरा कहाँ रहता है, कॉर्निस में अंडों के ऊपर रहता है। अब केशव जो है जैसे ही कॉर्निस के ऊपर हाथ रखता है, दोनों चिड़िया जो है उड़ जाती हैं, और केशव देखता है कि कुछ तिनके जो है पड़े हुए हैं और उसके ऊपर अंडे रखे हुए हैं, 3 अंडे हैं। इतने में श्यामा पूछती है कि भैया कितने बच्चे हैं?
तो केशव कहता है कि बच्चे नहीं हैं, ये तो अभी अंडे ही हैं, बच्चे नहीं निकले हैं। तो श्यामा कहती है भैया हमें भी दिखा दो, हम भी देखना चाहते हैं। तो वो कहता है कि तुम पहले चित्रे लेकर के आओ, अंडों के ऊपर में रख देते हैं, अंडों के नीचे रख देते हैं। तो वो दौड़ कर जाती है श्यामा, और धोती, एक पुराना धोती ले आती है टुकड़ा, और उसको फोल्ड करके केशव धीरे से अंडों के नीचे रख देता है। उसके बाद फिर श्यामा कहती है कि भैया हमको भी दिखा दो, हम भी देखना चाहते हैं। तो वो कहता है पहले तुम दाना और प्याली, पानी का प्याली लेकर के आओ और उसको दो। और इस तरह से वो चारा रख देता है, प्याली रख देता है, और टोकनी को इस तरह से टहनी में ऐसे टिका देता है छाया करने के लिए घोंसले के ऊपर में। श्यामा फिर कहती है कि भैया अब आप नीचे उतरो, मुझे भी देखना है अंडे कितने बड़े हैं। तो केशव नीचे उतर आता है। अब वो कहती है कि मुझे भी चढ़ना है। तो वो कहता है कि ना बाबा, तुम गिर गिरा गई तो अम्मा जी तो मेरी चटनी बना देंगी, मुझे छोड़ेंगी नहीं, बहुत गुस्सा करेंगी। तो वो रोने लग, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है श्यामा के, कि भैया मैं, मुझे भी देखना है। तो वो कहता है, उसको समझाता है कि अंडे अभी सुरक्षित हैं, तुमको देखने की ज़रूरत नहीं है, जब बड़े हो जाएंगे उसमें से बच्चे निकल आएंगे तो उसको हम पालेंगे। इतने में अम्मा जी आ जाती हैं और दोनों के ऊपर गुस्सा करती हैं और दोनों को अंदर ले जा करके सुला देती हैं। जब शाम होती है तो श्यामा उठती है पहले, और ऊपर ऊपर उसका ध्यान जाता है कॉर्निस पर, और अचानक से जब वो नीचे देखती है तो अंडे जो हैं टूटे पड़े हुए रहते हैं। वो दौड़ते हुए जाती है और केशव को बोलती है भैया भैया चिड़िया के बच्चे जो हैं उड़ गए। केशव भी बाहर आता है और देखता है कि अंडे जो हैं टूटे पड़े हुए हैं और उसमें चूने के समान सफ़ेद तरल पदार्थ बाहर निकला हुआ है। वो एकदम सहम जाता है, दुखी हो जाता है बहुत। तो ये पूछती है श्यामा कि भैया क्या बच्चे उड़ गए? तो वो कहता है नहीं रे, देखो ना अंडे टूट चुके हैं। तो कहती है कि बच्चे कहाँ गए? तो वो बताता है कि ये जो चूने के समान दिख रहा है ना पानी, उसी से तो बच्चे बनते, अंडा तो टूट गया है। इस तरह से उसकी आवाज़ जो है रोने की सी हो जाती है। इतने में वहाँ अम्मा जी पहुँच जाती है और कहती तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो श्यामा जो है वो बताती है कि भैया ने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी, वो ऊपर चढ़े थे, सब बात बता देती है। तो अम्मा जी गुस्से से कहती है कि केशव तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि अगर चिड़िया के अंडों को छुआ जाए तो वो गंदे हो जाते हैं और उन्हें फिर चिड़िया जो है नहीं सेती है। ये बात सुन करके केशव तो ऐसे ही बहुत दुखी रहता है। तो श्यामा पूछती है तो क्या चिड़ियों ने खुद ही अंडों को गिरा दिया अम्मा जी? तो वो कहती हैं कि बिल्कुल, और फिर क्या करती? इस तरह से अम्मा जी को दोनों की नादानी पर हंसी आ जाती है। लेकिन इस बात से केशव बहुत दुखी हो जाता है। उसको कई दिनों तक ये घटना जो है याद आती रहती है, और जैसे ही वो याद करता वो रोने लग जाता, उसके आँख से आंसू बहने लगते, क्योंकि उसने तो चिड़िया के अंडों को सुरक्षित करने के लिए ये सब जतन किया था, है ना? लेकिन उस पूरा अंडे, तीनों अंडे टूट जाते हैं, सत्यानाश हो जाता है। तो इस तरह से वो बच्चा जो है बहुत दुखी हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर चिड़िया, दोनों चिड़िया फिर नहीं दिखाई देती। तो इस पाठ में मुंशी प्रेमचंद ने बच्चों के भावों को बहुत सुंदर ढंग से चित्रित किया है, और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि जो बच्चों ने किया चिड़ियों की भलाई के लिए किया, लेकिन उससे चिड़िया के बच्चों को नुकसान ज़्यादा झेलना पड़ा और फ़ायदा कुछ भी नहीं। इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।